और अब अतीक अहमद माफिया से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 साबरमती जेल टू प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को साबरमती जेल से एक बार फिर प्रयागराज लाया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच आज दोपहर यूपी पुलिस अहमदाबाद से रवाना हुई। अहमदाबाद में माफिया अतीक अहमद ने कहा है कि ये उसे मारना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी क्यों नहीं हो रही है? अतीक अहमद पुलिस वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। सफर 22 घंटे से 24 घंटे का है। पुलिस काफिले में एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और दो इंस्पेक्टर के साथ 30 कांस्टेबल भी हैं। माफिया अतीक अहमद को राजस्थान मध्य प्रदेश वाले रूट से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। अतीक वाली पुलिस वैन में बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ है। इस बीच राजस्थान के डूंगरपुर के पास अतीक वाली वैन कुछ देर के लिए खराब भी हुई। वैन से उतरते वक्त अतीक के फेस पर खौफ दिखा। अतीक अहमद की कल प्रयागराज के CJM कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस पूछताछ के लिए अतीक की रिमांड मांगेगी। रिमांड के दौरान अतीक से उमेश पाल मर्डर केस मामले में पूछताछ संभव है।